निर्जीव व सजीव के अणु अणु में समाया हुआ, पवन के वेग और अग्नि की तपन में रमा हुआ ओंकार, कीर्तन भजन पूजा अर्चना सभी के स्वरों में समान रूप से समाहित ओंकार, महाशिवरात्रि की पूजा अर्चना में सदैव उपस्थित ओंकार, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर नारद जी कैलाश पधारते हैं और शिवादेश से शिव महिमा से संबंधित भील, गुरुद्रुह और हिरणी की व्यथा सुनाते हैं। परिवार का पेट पालन हेतु व्याकुल भील जब बिल्व पत्र के वृक्ष पर बैठता है तो कुछ पत्ते नीचे स्थित शिवलिंग पर पड़ते हैं, तभी हिरणी को देख वो निशाना साधता है, परंतु हिरनी की बच्चों से मिल वापस आने की प्रार्थना पर उसे जाने देता है। लगता है वे दोनों नहीं आएंगी, मुझे मूर्ख बना के चली गई, अब प्रतीक्षा से कोई लाभ नहीं। नहीं, वो मुझसे कह कर गई थी कि तुम लोगों से मिलकर लौटेगी, किंतु लौट कर आई नहीं, लगता है अपने वचन से फिर गई है। मैंने सारा दिन उसकी प्रतीक्षा में गंवाया है, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे, मेरी पत्नी मेरे लिए चिंतित होगी, अब मैं तुम्हें ही अपना लक्ष्य बनाता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किंतु इतनी विनती है, मुझे एक बार अपनी पत्नी से मिलने दो, फिर मैं स्वयं तुम्हारे सामने बाल खाने के लिए सहज खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, तुम भी जाओ, किंतु शीघ्र आना, बहुत विलंब हो गया है। अब और प्रतीक्षा नहीं की जाती मुझसे, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है वो दोनों हिरनिया और ये हिरन तीनों ही सच बोल रहे थे, तीनों ही अपने वचन के पक्के हैं, वे आएंगे और अवश्य आएंगे। माना वो तीनों ही वचन के पक्के हैं, किंतु किंतु तेरा मन, क्या तेरा मन भी उतना ही पक्का है कि तू उन तीनों पर अपने बाण चला सके? क्यों नहीं, क्या आज मैं बाण पहली बार चलाऊंगा? आज तक मैंने कितने ही बाण चलाए और कितने ही पशु पक्षियों को तड़प तड़प कर प्राण त्यागते हुए देखा। शिकार करना मेरा कर्म है और उससे परिवार को पालना भी मेरा धर्म है। सत्य है, किंतु आज न जाने क्यों मेरे अंदर दया और करुणा के स्रोत फूट पड़े हैं। वाह, अगर दया और करुणा के स्रोत इस तरह फूटते रहे फिर तो तुम अपने परिवार का भरण पोषण कर चुके। मेरी समझ में नहीं आ रहा है आज मैं किस विचित्र से धर्म संकट में फंस गया हूं। प्रत्यंचा खींचते हुए मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है?
मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? निर्दोष जीवों की हत्या करना मुझे अच्छा नहीं लगता, परंतु अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मुझे ये पाप भी करना पड़ता है। अब आप ही बताइए प्रभु, मैं क्या करूं? क्योंकि यदि एक और जीव की हत्या पाप है, तो दूसरी ओर जीवों को भूखा रखकर उन्हें मृत्यु की ओर ढकेलना भी तो पाप ही है। मैं कौन सा पाप करूं? या कोई भी पाप ना करूं तो क्या करूं? मेरा मार्गदर्शन करिए भोलेनाथ, मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझ पापी का कल्याण कीजिए प्रभु। वो भील आंसू बहा बहा कर आपको पुकार रहा है, आपकी सहायता मांग रहा है, उसकी व्यथा का अंत कीजिए महादेव, उसका मार्गदर्शन कीजिए। देवी सती, तुम्हारा इस विषय में क्या विचार है? अपने कर्म को विसार कर, अपने परिवार जनों को कष्ट में डालकर क्या वो भील ठीक कर रहा है? वो स्वयं कुछ नहीं कर रहा है स्वामी, उसके स्पर्श से अनजाने में जो बेलपत्र आपके लिंग पर गिरे हैं, इसी कारण उसका हृदय परिवर्तित हो गया है। वो क्रूर से दयालु बन गया है, वो विवश कहीं का नहीं रहा। देवर्षि उचित कह रहे हैं प्रभु, अब आप ही उसका मार्गदर्शन करें और उसे धर्म की राह पर लगाएं। माता, प्रभु ने मेरी विनती सुन ली, मेरी प्रार्थना सार्थक हुई, अब उस भील का उद्धार अवश्य हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण। मुझे संपत्ति दो भगवान, मुझ पर दया करो, मेरा कल्याण करो प्रभु, मेरा कल्याण करो भोलेनाथ। हम अपने वचन के अनुसार यहाँ आ पहुंचे हैं। अब तुम अपना बाण उठाओ और अपने कर्म का पालन करो। ऐसे क्या देख रहे हो? बाण चढ़ाओ, चढ़ाओ बाण। विलंब मत करो, तुम्हारे बच्चे और पत्नी भूख से बिलख रहे होंगे। भूख से भी बढ़कर तुम्हारे घर ना लौटने के कारण आशंकित भी होंगे। तुम अपना काम समाप्त करो और जल्द ही घर लौट जाओ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मुझे अपने परिवार का भूखा मरना स्वीकार है, किंतु तुम निर्दोषों की हत्या करना नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। भोलेनाथ, भोलेनाथ। साक्षात दर्शन दिए हैं, इस अत्यारे पापी पर इतनी कृपा क्यों? मैं इसके योग्य नहीं प्रभु, मैं इसके योग्य नहीं। गुरु ध्रुव, हत्या करना पाप है, किंतु कर्म नहीं करना भी तो पाप है, और तुम्हारा तो कर्म ही ऐसा है जो तुम्हें न चाहते हुए भी पाप का भागी बना देता है। किंतु आज से तुम्हें ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा जो तुम्हें पाप और आत्मग्लानि के बोझ तले दबाता जा रहा है।
प्रभु, किंतु इतनी कृपा मुझ जैसे दीनहीन व्यक्ति पर क्यों, क्यों प्रभु? आज महाशिवरात्रि है, आज के इस पावन दिन बिल्व पत्रों से मेरी पूजा करने के पुण्य के फल स्वरूप तुम्हारा ये कायाकल्प हुआ है, और तुम तीनों ने आज के इस पावन दिन अपना दिया हुआ वचन पूरा कर दिखाया। ये देवी रूप उसी का फल है। तुम्हें मृग योनि से अपनी स्वाभाविक देवी योनि प्राप्त हुई। ओम नमः शिवाय। पिताजी, तुम सब इस रूप में? ये सब तुम्हारी भक्ति का प्रसाद है। आज महाशिवरात्रि के दिन मेरी पूजा करने के फल स्वरूप तुम अपने पूर्व पापों से मुक्त हो गए और श्रृंगवेरपुर के राजा बन गए। वे और राजा? हाँ, अपने परिवार सहित वहां जाकर शिव आराधना को मन में उतार कर राज सुख का उपभोग करो। त्रेता युग में विष्णु के अवतार भगवान राम से तुम्हारी भेंट होगी और तुम उनके उत्तम मित्र के रूप में जाने जाओगे। जो आज्ञा भगवान शिव शंकर, जो आज्ञा। तुम तीनों दिव्य धाम के लिए प्रस्थान करो। जो आज्ञा प्रभु। गुरु ध्रुव, महाशिवरात्रि के दिन तुमने शिव आराधना करके शिव भक्तों के अध्याय में अपना नाम अमर कर दिया है। जो भी शिव भक्त महाशिवरात्रि के दिन तुम्हारी ये कथा सुनेगा उसे वो सारे पुण्य प्राप्त होंगे जो तुम्हें हुए हैं। कल्याण भव। शिव कृपा से इस प्रकार गुरु द्रोह, उनकी पत्नी और दोनों बालकों ने श्रृंगवेरपुर राज्य की ओर प्रस्थान किया। ओम नमः शिवाय। श्रृंगवेरपुर नरेश महाराज गुरु ध्रुव की। 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 महाराज, श्रृंगवेरपुर की प्रजा आप जैसे शिव भक्त को अपने राजा के रूप में पाकर अति प्रसन्न है। महामंत्री जी, ये सब भगवान शिव की कृपा का फल है। हम चाहते हैं हमारी प्रजा निरंतर भगवान शिव की आराधना करके उनकी कृपा प्राप्त करती रहे, जिससे कभी किसी को कोई कष्ट ना हो। अवश्य महाराज, सारी प्रजा में ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र की गूंज उठ रही है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। महामंत्री का कथन अत्यंत सत्य है महाराज। महाशिवरात्रि की रात्रि को आपके मन में जो शिव भक्ति की ज्योति प्रकट हुई थी, उसी के प्रभाव से आपको यह शिव भक्त प्रजा और श्रृंगवेरपुर राज्य प्राप्त हुआ है। ओम नमः शिवाय। मुझे सब स्मरण है देवर्षि। मुझे ये भी स्मरण है कि उस रात आप ही ने मुझे बिल पत्र के पेड़ पर बैठे देखा था। और नारायण नारायण। और मैं वहां से सीधा शिव सती के शरण में कैलाश पहुंच गया था। राजन, आप अत्यंत भाग्यवान हैं। महाशिवरात्रि के दिन आपके हाथों हुई शिव भक्ति और पशुवत से विरक्ति के कारण शिव भक्ति में और उसके इतिहास में आपका नाम अमर हो गया है। स्वयं शिवजी और माता सती आपकी शिव भक्ति की प्रशंसा करते हैं। ये सब आपकी कृपा है देवर्षि। मेरी नहीं राजन, भोलेनाथ की कृपा है। और जब भोलेनाथ की कृपा होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। राजन, मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूँ। कौन सा रहस्य देवर्षि? युगों युगों तक आप श्रृंगवेरपुर पर राज करेंगे। शिव भक्ति से प्राप्त सिद्धि के कारण आपकी आयु अपरिमित होगी। आप त्रेता युग में भी जीवित रहेंगे। क्या कह रहे हैं देवर्षि? मैं त्रेता युग में भी जीवित रहूंगा? हाँ राजन, भगवान विष्णु जब त्रेता युग में राम का अवतार लेंगे तब आप उनकी सहायता करेंगे और राम भक्त के रूप में आपका नाम अमर हो जाएगा। धन्य है देवर्षि,
आप सचमुच धन्य हैं। आपने मुझ पर जो उपकार किया है उसके लिए मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। नारायण नारायण, मैं तो शिवजी का छोटा सा सेवक हूँ, उपकार तो आपको भोलेनाथ का ही मानना होगा राजन, क्योंकि उनकी इच्छा से ही आपको शिव भक्ति प्राप्त हुई है, और इस उपकार का ऋण चुकाने के लिए आपको अपने राज्य में स्थान स्थान पर शिव मंदिरों का निर्माण करना होगा, जिससे शिव भक्ति की गूंज संसार में गूंज उठे। ऐसा ही होगा देवर्षि, ऐसा ही होगा। हम राज्य के कोने कोने में शिवालयों का निर्माण करवाएंगे और हर शिव पर्व पर उत्सव मनाएंगे, और ये सब भोले शंकर की कृपा से होगा। ओम नमः शिवाय। राजन, जानते हो इसी ओम नमः शिवाय के प्रभाव से वो हिरण और हिरणी कहां पहुंच गए जिन्हें आपने प्राणदान दिया था? नहीं देवर्षि, बताइए वे कहां हैं? महाशिवरात्रि को अपना वचन निभाने और शिव भक्ति में सहयोग करने के कारण वे पशु योनि को त्याग कर सीधे स्वर्गलोक पहुंच गए हैं। स्वर्गलोक में? हाँ राजन, अब मैं स्वर्गलोक पहुंचकर उन्हें भी ओम नमः शिवाय की महिमा सुनाऊंगा। नारायण नारायण। भोलेनाथ की लीला ब्रह्मांड है, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।